वरुण देव, देवी भवानी ने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ कर दिया है। यदि इस समय यह रक्त बीज जाकर महिषासुर से मिल गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा वरुण देव। देवराज, इसे इसका अवसर नहीं मिलना चाहिए। अर्थात मेरे विचार से जिस प्रकार आपने दानवराज कर्म का जल में तपस्या करते समय मगरमच्छ बनकर वध किया था, उसी प्रकार इस रक्त बीज का भी वध कर डालिए। यह अभी तपस्या में लीन है देवराज। आप सत्य कह रहे हैं वरुण देव, सत्य कह रहे हैं आप। हो गई तेरी तपस्या पूर्ण, बस रक्त बीज, तेरी आयु इतनी ही थी। हे वरुण देव, आपने हमें इसकी सूचना देकर न केवल अपने आप पर बल्कि समस्त देवगणों पर उपकार किया है। चलिए, इसका यह मृत शरीर कोई वन्य प्राणी खा जाएगा। चलिए वरुण देव। दानव श्रेष्ठ रक्त बीज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन हो तुम दोनों? दानव रक्त से हमारा जन्म हुआ है और दानव के अतिरिक्त हम हो भी क्या सकते हैं? हमें कोई नाम दीजिए। तुम दोनों मेरी आशाओं के उत्तर दिखाई देते हो। तुम शुंभ हो। और तुम निशुंभ, मेरा आदेश है कि तुम दोनों जाओ और ब्रह्मा की तपस्या करो। हमारा ज्ञान हमें ऐसा करने से रोक रहा है दानव श्रेष्ठ। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे देवराज इंद्र के कहने से ब्रह्मा जी कदाचित हमें कोई वरदान ना दें। नहीं, वे आदि प्रजापति हैं। उन्होंने जीवन के कुछ नियम बनाए हैं, उन्होंने तपस्या के भी कुछ नियम बनाए हैं। ध्यान रहे, जो नियम बनाता है वो अपने बनाए हुए नियमों को स्वयं नहीं तोड़ता। फिर तो आपका आदेश हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। महिषासुर का वध हो गया, असंभव संभव हो गया। हे दानव श्रेष्ठ, एक स्त्री ने इतने बड़े वीर का वध कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे किसी ने मेरे अपने ही पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया हो।
शुंभ निशुंभ। जी दानव श्रेष्ठ। सर्वप्रथम तुम्हें पाताल लोक जाना होगा और दानव लोक के सिंहासन पर अधिकार करना है। रहा प्रश्न देवलोक का, तो उस पर दोबारा इंद्र ने अपना अधिकार कर लिया होगा। इससे पहले कि देवता अपनी सेना संगठित करें, हमें उसे समाप्त करना होगा। जाओ दानव वीरों, जाओ, दानव लोक के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, हम दानव लोक का सिंहासन जीत कर आपको उस पर विराजमान करेंगे। नहीं दानव वीर शुंभ, नहीं, मैं उस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ सेनापति के रूप में रहूंगा और प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का देवताओं से और उस देवी से भी। वीर शुंभ एवं निशुंभ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब मुझसे वर मांगो। हे ब्रह्मा जी, हम धन्य हुए। यदि हमें वर देना है तो वो हमारी इच्छा के अनुसार हो। हाँ ब्रह्मा जी, जिस प्रकार देवता मृत्यु के भय से मुक्त हैं, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तो जब तुम किसी ऐसी वस्तु की कल्पना करोगे जिसकी प्राप्ति असंभव हो, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। हे आदि प्रजापति, हम प्रसन्न हुए। हे दानव वीरों, स्मरण रहे कि अन्य असुरों एवं दानवों की भांति तुम दोनों इस वर का दुरुपयोग मत करना। हे ब्रह्मा जी, मैं तो इसका उपयोग करूंगा। ये तो समय ही बताएगा कि यह सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। हम चुनेंगे अपना सम्राट, हम चुनेंगे अपना सम्राट, हम चुनेंगे अपना सम्राट। शांत, शांत हो जाइए आप लोग।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। दानव वीरों, मैंने अपनी ओर से महायोद्धा शुंभ को इस सिंहासन पर बिठाने का निर्णय किया है। जिस किसी को मेरी बात पर आपत्ति हो, वो महावीर शुंभ से आकर द्वंद्व युद्ध कर ले। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। इस सभा में कितने ऐसे वीर हैं जो अपने आप को इस सिंहासन का उचित उत्तराधिकारी समझते हैं? स्वागत है। दो दो योद्धा यहां आए और शुंभ तथा निशुंभ से युद्ध करें। जो अंतिम योद्धा बचेगा वही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। हमें स्वीकार है। शुंभ, निशुंभ, विजयी भाव, विजयी भाव। Ah!
हम इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेते हैं। आप दोनों लड़कर यह निर्णय कर लें, जो जो भी विजयी होगा वो दानवों का सम्राट होगा। नहीं, हम भाई हैं और हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। मैं पता शुंभ को असुर लोक का सम्राट स्वीकार करता हूं। चलो, निर्णय हो गया। दानववीर शुंभ दानव लोक के सम्राट है। आइए भ्राताश्री। यशस्वी सम्राट की, शुंभ की, शुंभ की। हे दानव श्रेष्ठ रक्तबीज, मैं आप ही की इच्छा अनुसार आपको दानव सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं और देवताओं से युद्ध की घोषणा करता हूं। इंद्र, तेरा सिंहासन तो गया। देवराज, 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 क्या समाचार है पवन देव? देवराज, हमारे उत्साह बिना ही अकारण दानवों की सेना हमारी सेनाओं की ओर बढ़ रही है। शुभ और निशुंभ की सेना मारती काटती हुई हमारी ओर चली आ रही है। अब आप ही बताएं देवराज, इस समय हमें क्या करना चाहिए? महिषासुर की मृत्यु के पश्चात हमने सोचा था कि हमें कुछ दिनों का विश्राम मिल जाएगा, किंतु ये विश्राम इतना सीमित होगा कि हमने सोचा भी नहीं था। पवनदेव, मैं जानता हूं कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हमारी पराजय निश्चित है। तो फिर ज्वालामुखी में अपनी सेना को झोंकने से क्या लाभ? देवगणों, आप लोग शीघ्र की शीघ्र यहां से जाइए, जाइए आप लोग यहां से, अपने समस्त परिवार के साथ कैलाश पहुंचिए। अब तो केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें संकट से उबार सकते हैं। जाइए आप लोग यहां से। पराजय, पराजय, पराजय। इंद्र, तेरा दूसरा नाम पराजय है, पराजय है। बधाई हो भ्राता शुंभ, हमने इंद्रासन बिना किसी परिश्रम के ही जीत लिया। भाग गया वो देवताओं का राजा इंद्र। भ्राता निशुंभ, जाकर देखो वो सारे आभूषण और रत्न
जो देवताओं के पास थे वो सब है भी या नहीं, क्योंकि देवताओं की पराजय के कारण ये अपार संपत्ति है। जो आज्ञा भ्राता श्री, किंतु पहले आप इस सिंहासन पर तो बैठे, मैं भी तो देखूं कि मेरा भ्राता इस सिंहासन पर बैठकर कैसा लगता है। हम तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे निशुम्भ। भव्य सुंदर अति सुंदर। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। असुर सम्राट शुंभ एवं निशुंभ, तुम लोगों ने विजयश्री प्राप्त कर ली है, किंतु विजयश्री एक छलावे की भांति होती है, ना इसके प्राप्त होने का पता चलता है और ना ही इसके खो जाने। अपने पिता समान रंभ को मत भूलना, महिषासुर का परिणाम मत भूलना, भूले से भी कोई ऐसी इच्छा मत कर बैठना जिसकी पूर्ति संभव ना हो, वरना देवताओं को तुम्हारी पराजय का रहस्य मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहें दानव श्रेष्ठ रक्त बीज, मैं अपनी विजय को स्थायी बनाकर छोड़ूंगा। तो ठीक है, इंद्रलोक तुम्हारे लिए शुभ मंगलमय हो। मैं अपनी गुफा की ओर जा रहा हूं। क्या बात है देवराज? आप तो सब जानते हैं भोलेनाथ, आपसे क्या छिपा है? हम देवता कब तक जय और पराजय के बीच विधाता के लेख का झूला झूलते रहेंगे? ये दानव और असुर हमसे श्रेष्ठता और समानता का युद्ध लड़ते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे अपने दुष्कर्मों के कारण ही संसार में असुर और दानव कहलाते हैं। फिर भी वे अपनी असफलताओं का दोष हम देवताओं के मत्थे मरते हैं, फिर हम में से ही कोई एक देवता उन्हें ऐसा वरदान दे देता है भोलेनाथ, जिसके कारण हम अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। क्या बात है, आज पूरा देवलोक ही यहां उपस्थित है। हे मां जगदम्बे, हमारी स्थिति इस समय वही है जो महिषासुर के समय थी। अंतर केवल इतना है कि महिषासुर का स्थान अब शुंभ ने ले लिया है। माते, शुंभ और निशुंभ ने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है। माता, समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें तो देवी दुर्गा ने कहा था कि जब भी हम संकट के समय उनका स्मरण करेंगे वे हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। संकट का इससे उचित अवसर और क्या होगा माते, और क्या होगा? निश्चिंत रही, मैंने जो वचन दिया था उसका पालन होगा। मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ
शुंभ और निशुंभ के वध के लिए अभी प्रस्थान करती हूं। माँ शेरावाली की, शेरावाली माँ की, शेरावाली माँ की। आइए भ्रातश्री निशुंभ। बैठ जाओ अनुज, तुम दानवों के सम्राट हो, तुम्हें अपने बड़े भ्राता के सम्मुख भी दानवों के सम्राट के समान ही व्यवहार करना चाहिए। जी भ्रातश्री। कहिए भ्रातश्री। हाँ, मैं तुमसे ये कहने आया था कि हम दानवों को महामंत्री के पद के लिए केवल एक बुद्धिमान ही नहीं, एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपने लगे। इसकी क्या आवश्यकता है भ्राता श्री? वैसे लोग तो हमारे नाम से भी कांपते हैं। अनुज, ना तो तुम महामंत्री बन सकते हो और ना मैं, क्योंकि तुम दानवों के सम्राट हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई। क्यों भ्राताश्री, क्या एक व्यक्ति दो पदवियां नहीं रख सकता? नहीं, ये अनुचित है, और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं और तुम दोनों असुरों के गुरु शुक्राचार्य से मिलने जाएंगे, क्योंकि जब से वो हम असुरों की हठधर्मी से रुष्ट हुए हैं, तब से हम असुरों का प्रभाव और शक्ति दोनों कम हो गए हैं। तो चलिए भ्राताश्री, कुल गुरु शुक्राचार्य के बिना हम असुर एक शून्य की भांति हैं। जब देवताओं से हमारा पहला संग्राम हुआ था, तब हम असुरों की पराजय हुई थी, किंतु कुल गुरु शुक्राचार्य ने ही हमारी पराजय को विजय में बदल दिया था। ठीक है अनुज, आओ गुरुदेव शुक्राचार्य को ले आए। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। कौन? मैं निशुंभ हूं गुरुदेव। क्यों आए हो यहां? गुरुदेव, मैं अपने अनुज दानव सम्राट शुंभ को आपके पास लेकर आया हूं। चले जाओ यहां से, अब मेरे पास तुम सम्राटों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, जब से आपने अपनी कृपा का हाथ हम असुरों के सर से हटाया है, तब से हम असुर जो त्रिलोक विजयी थे रसातल में पहुंच गए हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? तुम असुरों के लिए मैं केवल नाम मात्र का गुरु रह गया। नहीं नहीं कुलगुरु, आपकी कृपा न होने के कारण महिषासुर जैसा प्रतापी बलवान एक स्त्री के हाथों मारा गया। महिषासुर जो मेरे आदर्श हैं। दानव सम्राट शुंभ, एक पराजित व्यक्ति को कभी अपना आदर्श मत बनाना। गुरुदेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। सोच लो, तुम मसूरों में मैं एकता लाना चाहता हूँ, अनुशासन देखना चाहता हूँ मैं तुम में। गुरुदेव, आपको वो सब हम असुरों से मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं, वचन सदैव सोच समझ कर देना चाहिए। आवेश में दिए गए ऐसे वचन शत प्रतिशत झूठे निकलते हैं। गुरुदेव, इसे आप मेरा वचन नहीं
इसे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा समझिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं पुनः एक बार तुम असुरों को संगठित करूंगा और तुम सबको तुम्हारी अकाल मृत्यु से बचा लूंगा। गुरुदेव, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे ऐसी ही इच्छा मार सकती है जिसकी संसार में पूर्ति ना हो, और भला मैं ऐसी इच्छा करूंगा क्यों? बस अभी से ऐसी बातें मत करो। बार बार धोखा खाने के पश्चात भी तुम असुरों की समझ में यह क्यों नहीं आता कि ब्रह्मा तुम्हें वर तो दे देते हैं किंतु अपने वर के तोड़ को देवताओं के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तुम दोनों मेरी बात मानकर यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हारे वरदान में जो एक संकट छुपा है मैं उसे भी दूर कर दूंगा। चलिए गुरुदेव, दानव लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ मेरे दो दानव शिष्य भी चलेंगे जो महान वीर और बहुत बड़े योद्धा हैं, और समय आने पर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। चंड एवं मुंड। आ गया गुरुदेव। हे महान वीरो, ये दानव सम्राट शुंभ है। आज से तुम दोनों इन्हीं के लिए जियोगे और इन्हीं के लिए मरोगे। हे दानव सम्राट, हमारे लिए हमारे गुरु की आज्ञा ही भगवान की आज्ञा के समान है। हे महावीर चंड, हे महावीर मुंड, आप दोनों के आने से दानव सेना की शक्ति में अद्भुत क्षमता बढ़ जाएगी। हे वीरों, शुंभ साम्राज्य में आप दोनों का स्वागत है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही अशुभ समाचार है। असुर कुल गुरु शुक्राचार्य को शुंभ और निशुंभ अपने साथ ले गए हैं। मुझे भय है वरुण देव कि वे अब शुंभ और निशुंभ का वध नहीं होने देंगे, और उधर मां भगवती कैलाश पर पुनः प्रकट होकर वहां से चल भी चुकी है। देवराज, क्यों ना हम सब कुछ देवी भगवती पर ही छोड़ दें? आप सत्य कह रहे हैं वरुण देव, सत्य कह रहे हैं आप। अब हमें देवी भगवती की शरण में जाना होगा। आइए मेरे साथ। हे भगवती, हे परमेश्वरी, आपके दूसरी बार अवतरित होने पर हमें यह आशा हो चली थी कि हमारे सुख के दिन पुनः लौट आएंगे। देवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप दानव लोक में शुक्राचार्य की वापसी से घबरा गए हैं। माते, घबराने का ही विषय है, क्योंकि शुक्राचार्य हम देवताओं के पुराने बैरी हैं। अब वे शुंभ और निशुंभ को कोई भी ऐसी भूल नहीं करने देंगे जिसके कारण उनका वध किया जा सके। देवराज, आपको शुंभ निशुंभ की भूल की चिंता है, किंतु आपका ध्यान अपनी भूल की ओर नहीं है। हे भगवती, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है? मैंने तो आपको सत्य घटना बताई है कि शुंभ और निशुंभ अपने कुलगुरु को लेकर पाताल लोक गए हैं। देवराज, असुरों को अपनी भूल का ज्ञान हो गया है और उन्होंने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य की वंदना की, उन्हें प्रसन्न करके अपने साथ ले गए। किंतु देवराज, आप मुझे बताइए कि गत वर्षों में आप देवताओं के गुरु बृहस्पति से मिलने कितनी बार गए? आपने अपने गुरु से कितनी बार युद्ध तथा अन्य नीतियों के विषय में बात की? आप ये क्यों भूल गए? यदि गुरु ना हो
तो उचित मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे जगदम्बे, आपने जो कहा वो सत्य है, आप हमें क्षमा कर दीजिए माते। आप अभी अपने गुरु की शरण में जाइए और देखिए किस प्रकार आपके गुरु आपको चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। और रहा शुंभ और निशुंभ का प्रश्न, तो वे यही आएंगे, मैं यही उनकी प्रतीक्षा करूंगी। हे माते, अभी हम प्रस्थान करते हैं, हम पुनः आपके दर्शनों के लिए यहां आएंगे। तथा अन्य देवगण, क्या बात है? हे गुरुदेव, हम आपसे अपनी भूल की क्षमा मांगने आए हैं, जबकि हम जानते हैं गुरुदेव कि हमारी भूल क्षमा के योग्य नहीं है। और सच पूछिए तो हमें यहां आने का ध्यान भी देवी भगवती ने दिलाया है। आप किस भूल की बात कर रहे हैं देवराज? आप तो सब जानते हैं गुरुदेव, और बहुत दिनों से हमने आपसे विचार विमर्श भी नहीं किया, ना तो आपको संकट के आने की सूचना दी है और ना ही उसके समाधान की। और इसका यह परिणाम हुआ गुरुदेव कि हम देवता बार बार पराजित हुए हैं। हे गुरुदेव, पहले हम हिरण्यकश्यपु से हारे, तारकासुर से पराजित हुए, हमें महिषासुर ने अपमानित किया, और अब शुंभ ने हमें देवलोक से निष्कासित कर दिया है। गुरुदेव, हमें इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। देवराज, आपकी क्षमा याचना से मुझे संतोष प्राप्त हुआ, किंतु आप मुझसे क्षमा मांगे, ऐसी इच्छा मेरे हृदय में कभी नहीं थी। आपने भूल तो की, आप देर से आए, किंतु आए तो सही। गुरु का स्थान आडंबर और अहंकार रहित होता है, यह जानकर मेरे हृदय को कष्ट हुआ कि मेरे शिष्य संकट में हैं। बताइए देवराज, मैं आप लोगों के लिए क्या करूं? हे गुरुदेव, असुर गुरु शुक्राचार्य फिर असुरों के पास लौट आए हैं, और जब तक वे असुरों के साथ हैं तब तक शुंभ और निशुंभ कोई भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिसके कारण उनका वध किया जा सके। मैं समझ गया देवराज, आपकी चिंता का कारण दानवराज शुंभ नहीं, गुरु शुक्राचार्य है। ठीक है, मैं आप सबको अपनी ओर से आश्वासन देता हूं कि आपकी चिंता के कारण को दानव से दूर कर दूंगा। यह देव कुलगुरु बृहस्पति का वचन है। वीरों, आपका साहस, आपका कौशल, आपकी वीरता
और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने बार बार देवताओं को पराजित किया है, किंतु ये शब्द बार बार क्यों? आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि हर बार कोई दिव्य शक्ति दानवों को पराजित कर फिर पाताल लोक भेज देती है? दानव सम्राट हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था, किंतु इतने शक्तिशाली सम्राट को भी विष्णु के हाथों मरना पड़ा। दानवेंद्र तारकासुर के पास क्या नहीं था, शक्ति बुद्धि, किंतु उसे भी ब्रह्मा के वर के कारण एक सात मास के नन्हे बालक ने मार दिया। महान दानव महिषासुर के बल की तो कोई सीमा ही नहीं थी, किंतु वह भी एक स्त्री के हाथों पराजित हो गया। हे दानव वीरो, हमने तीन बार देवताओं को पराजय दी, इंद्रलोक पर अधिकार किया, किंतु तीनों ही बार किसी न किसी कारण से हम देवताओं से पराजित हो गए। अब पुनः एक बार दानव सम्राट शुंभ ने इंद्रलोक पर अधिकार किया है। मैं चाहता हूं इस समय सारी दानव शक्तियां एक साथ मिल जाएं और हमारी ओर से देवताओं को कोई अवसर ही न दिया जाए। अब मैं आपके साथ हूं, ध्यान रहे, आपके सम्राट को ब्रह्मा ने वरदान दिया है, कोई भी ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव न हो, यदि ऐसी इच्छा दानव सम्राट शुंभ ने की तो वो इनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो अब आपका, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने सम्राट को ऐसी स्थिति से बचाएं। हे ब्रह्मा, इस बार मैं किसी को कोई अवसर नहीं दूंगा। शुंभ और निशुंभ दोनों आपके वरदान के इस बंधन से दूर रहेंगे। गुरुवर शुक्राचार्य की जय। गुरुवर शुक्राचार्य की जय। गुरुवर शुक्राचार्य की जय। चंड मुंड आ गया गुरुदेव। नगर में घटने वाली छोटी सी छोटी घटना की सूचना तुम मुझे दोगे। जो आ गया गुरुदेव। और मैं सारे सभासदों से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि राज्य में घटने वाली प्रत्येक घटना की सूचना मेरे पश्चात महाराज शुंभ को दी जाए। हे दानव सम्राट, क्या आप मेरे इस विचार से सहमत हैं? हे गुरुदेव, आपका हर वचन मेरे लिए माता पिता के वचनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपके हर वचन का पालन करूंगा। तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तारकासुर और महिषासुर की कथा अब दोहराई नहीं जाएगी। गुरुदेव, आज आपका आगमन बड़ा ही शुभ हुआ है। दानव साम्राज्य के लिए हमें एक महामंत्री का चुनाव करना है। दानव सभा ने धूम्रलोचन नाम के एक वीर को भेजा है, अभी उसका शक्ति परीक्षण होने वाला है। यदि आप उसे अपना आशीर्वाद दें तो हम उसे दानव साम्राज्य का महामंत्री नियुक्त कर देंगे। अवश्य गुरुदेव। भ्राताश्री, धूम्रलोचन को प्रस्तुत किया जाए। शुक्राचार्य को धूम्रलोचन का प्रणाम। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। जो आपकी सेना में सबसे शक्तिशाली हो, जिनको अपनी भुजाओं की शक्ति पर विश्वास हो, उनमें से 16 मेरी बाईं ओर आने दीजिए और 16 मेरी दाईं ओर। फिर मैं अपने गले में एक रस्सी का फंदा डालूंगा, जिसका एक छोर बाईं ओर होगा और दूसरा छोर दाईं ओर। महाराज, फिर आपके ये दानव पूरी शक्ति से
उस रस्सी को दोनों ओर से खींचेंगे और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी महाराज जब तक आप मुझे उनको हटाने के लिए नहीं कहेंगे। आहा, अद्भुत। गुरुदेव आज्ञा है वत्स। प्रणाम गुरुदेव। बस करो, अब धूम्रलोचन की बारी है। दानव सम्राट शुंभ के महामंत्री बनने के योग्य हो। जो आज्ञा गुरुदेव। दानव वीर धूम्रलोचन, मैं आज से इसी क्षण से तुम्हें दानव राज्य का महामंत्री नियुक्त करता हूं और नगर भ्रमण का आदेश देता हूं। जाओ और जाकर कुछ विशेष दिखाई दे तो मुझे उसकी सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। अब मैं आश्रम की ओर जा रहा हूं। मेरे आश्रम के द्वार हर दानव के लिए सदैव खुले हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। 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 रथ रोको। किसी श्रृंगारिक कवि की कविता जहां समाप्त होती है वहां से इस महासुंदरी के रूप की कथा आरंभ होती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है। यदि आज मैं नगर भ्रमण करने न निकला होता तो इस महासुंदरी के दर्शन करने से वंचित रह जाता। चलो चलकर अपने महाराज के समक्ष इसके रूप की प्रशंसा करता हूं।
क्योंकि ऐसे सौंदर्य के अधिकारी तो केवल हमारे महाराज शुंभ असुर कुल नंदन ही हो सकते हैं। किंतु महामंत्री जी, असुर सम्राट को सूचना देने से पहले गुरुदेव शुक्राचार्य को इसकी सूचना देनी चाहिए। यह उनका आदेश है कि इस नगर में कोई भी नया प्राणी आए तो उसकी सूचना उन्हें सबसे पहले मिलनी चाहिए। क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है महामंत्री जी, असुर कुल गुरु को देवताओं के छल का कोई संदेह होता है, इसलिए हम सबने उन्हें वचन दिया है कि इस नगर में घटने वाली किसी भी घटना का वर्णन हम सबसे पहले गुरुदेव शुक्राचार्य के समक्ष करेंगे। तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबसे पहले गुरुदेव के आश्रम चलते हैं। सारथी, रथ घुमाओ। प्रणाम जगदम्बे। आइए देव गुरु। हे जगदम्बे, आपको कोटिशा धन्यवाद। देव गुरु, धन्यवाद का कारण? आपने जब देवताओं को मेरा स्मरण करवाया तब वे मेरे पास आए। इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता थी? हे देव गुरु, मैंने तो उन्हें उनका कर्तव्य स्मरण करवाया। वे आपके पास आए इसीलिए उनकी रक्षा हो जाएगी, और इस समय आपके मेरे पास आने का कारण भी तो यही है। महामंत्री धूम्रलोचन ने मुझे देखा और अब वो असुर सम्राट शुंभ को मेरी सुंदरता के बारे में बताना चाहता है। किंतु असुर सम्राट को सूचना देने से पहले वो असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जा रहा है। वो यदि वहां पहुंच गया। नहीं जगदम्बे, वो वहां नहीं पहुंचेगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। महामंत्री धूम्रलोचन। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मैं तो आपके दर्शन के लिए कुटिया में जा रहा था। मैं भी यही सोच रहा था। कहिए, यहां आने का कैसे कष्ट किया आपने? गुरुदेव, आज मार्ग में मैंने एक महासुंदरी के दर्शन किए, और वो महासुंदरी जो हमारे दानव सम्राट महाराज शुंभ के योग्य है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि महाराज उसे देखें और उससे विवाह करें, जिससे हम दानवों को हमारे साम्राज्य की एक महारानी मिल सके। महामंत्री, आपका विचार बहुत सुंदर और उत्तम है। धन्यवाद गुरुदेव, मैंने ये सोचा कि महाराज को इस सुंदरी की सूचना देने से पहले आपकी अनुमति ले लूं। महामंत्री धूम्रलोचन जी, तो शीघ्र जाइए, जाकर असुर सम्राट को इसकी सूचना दीजिए। दानव कुल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाकर दानव सम्राट को इसकी सूचना देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। मैंने किसी रथ के आने की ध्वनि सुनी। कोई मुझसे मिलने आया,
बिना मिले ही चला गया। कदाचित मेरे विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहता था। वनराज, आपका भोजन आ रहा है, किंतु कुछ समय तक तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए महाराज, यही है वो सुंदरी। ऐसा सौंदर्य, इतना निश्चल सौंदर्य इस संसार में है, ऐसा मानने को मेरा मन नहीं करता। महामंत्री जी, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? क्योंकि ऐसी सुंदरता तो केवल स्वप्न में ही देखी जा सकती है। बस बस महाराज, मैं आपको यही दिखाने लाया था कि है ना ये सुंदरी दानवलोक की महारानी बनने योग्य। हाँ महामंत्री, हाँ, केवल यही। आज तक इस ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? हम आपको धन्यवाद देते हैं महामंत्री। महाराज, मेरा आपको यहां लाने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि आप इस सुंदरी को देखकर अपनी हां या ना कह सके। हाँ महामंत्री, हाँ, हम इसे स्वयं मिलेंगे। नहीं महाराज, आपका इस समय मिलना उचित नहीं है। किंतु क्यों महामंत्री? ये आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है महाराज। किंतु मिले बिना इसे हम? महाराज, मैं गुरुदेव से इस विषय में बात कर चुका हूँ। सही यही होगा कि आप भी गुरुदेव की अनुमति अवश्य ले लें। आपने सत्य कहा महामंत्री, मैं भी गुरुदेव को वचन देकर आया हूँ कि मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। और विवाह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए महामंत्री जी, हम अपने हृदय पर पाषाण रखकर और इस सुंदरी को अपने नैनों में बसाकर जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप इसे अपनी दृष्टि से ओझल ना होने देना। आप इसे मिलिए और मेरे विषय में इतनी मीठी मीठी बातें कीजिए जिसे ये सुनकर मुझ पर मोहित हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज। देवी को धूम्रलोचन का नमस्कार। मैं असुर सम्राट महाराज शुंभ का महामंत्री हूँ और इस समय उनका दूत बनकर यहाँ आया। इस राज्य में मैं वो पहला दानव हूँ जिसने आपको पहली बार देखा और आपके सुंदर रूप का वर्णन अपने महाराज के समक्ष जाकर मैंने कुछ ऐसा किया कि उनके मन में आपको देखने की इच्छा जागृत हो गई और यहाँ आकर उन्होंने आपके दर्शन किए, वो आपसे मिलने की इच्छा मन में लिए वापस चले गए। ये तो अच्छा ही हुआ महामंत्री धूम्रलोचन कि वो मेरे सामने आए बिना ही लौट गए। हे देवी, जिस प्रकार इस सृष्टि में हिमालय एक है, गंगा एक है, सूर्य एवं चंद्रमा एक है,
उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि में एकमात्र अद्वितीय सुंदरी हैं। एक बात और, इस सृष्टि में महावीर भी एक है और वो है मेरे आश्रयदाता दानव कुल श्रेष्ठ महाराज शुम। एक बात और देवी, इस समय कुबेर की सारी संपत्ति दानव सम्राट महाराज शुम्भ के अधिकार में है। अच्छा? हाँ देवी, देवराज इंद्र का सारा वैभव हमारे सम्राट के चरणों में है। अच्छा? हे देवी, इस समय संसार की कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जो हमारे सम्राट के पास नहीं? अच्छा? हाँ देवी, इसलिए मेरे द्वारा उन्होंने आप तक ये संदेश भिजवाया है कि आप राजभवन चलकर राजकीय अतिथि बने और महाराज शुम्भ से विवाह करके दानव कुल की महारानी कहलाएं। दानव कुल की महारानी? हे देवी, मैंने कोई हास्यास्पद बात कही है जो आपको हंसी आ रही है? नहीं महामंत्री धूम्रलोचन, तुमने जो बात कही है उस पर तो क्रोध ही आ सकता है और ऐसे क्रोध की अवस्था में कुछ भी किया जा सकता है, किंतु तुम्हारे स्वामी दानव सम्राट शुम्भ को कदाचित मेरे प्रण का पता ही नहीं। प्रण? कैसा प्रण? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी महावीर की पत्नी कहलाऊंगी। दीपक के हाथों जल जाने वाला पतंगा सूर्य से हाथ मिलाना चाहता है। हे महासुंदरी, आपकी इस बात का उत्तर तो मैं स्वयं भी दे सकता हूं, किंतु अपने महाराज की ओर से आपके लिए कोई आज्ञा नहीं लाया मैं, नहीं तो मैं। बड़ा अभिमान है तुम्हें अपनी शक्ति पर धूम्रलोचन, किंतु कभी कभी शक्ति पर अभिमान शक्ति के अनुमान से अधिक हो जाता है। इस समय मैं ये चाहती हूं कि तुम जाओ और अपने महाराज तक मेरा संदेश पहुंचाओ। दूत बनकर आए हो तो दूत के धर्म का पालन करो। मैं दूत के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। इस समय मैं विवश हूं, हे महासुंदरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु आपका यह संदेश मैं अपने महाराज तक पहुंचा दूंगा कि आप उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे रही हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि आप एक बार पुनः विचार करें। और धूम्रलोचन, वीर पुरुष वाचाल नहीं हुआ करते, वे व्यर्थ की बात नहीं करते। नमस्कार देवी, नमस्कार। आएगा तेरा स्वामी शुम्भ भी यहां आएगा और वो यहां आएगा तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हुआ आपका दानव सम्राट। कहिए, यहां आने का कष्ट कैसे किया आपने? गुरुदेव, एक इच्छा जो वर्षों से मन में दबी पड़ी थी अनायास ही बलवती हो उठी है। इच्छा? दानव सम्राट, ये इच्छा शब्द आप अपने शब्दकोश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। आपकी इच्छा मृत्यु बनकर किसी भी समय आपको डस सकती है। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरा उद्देश्य नहीं समझे। ये इच्छा तो वो इच्छा है जो ब्रह्मा के वरदान से जोड़कर मुझे काल के मुख की ओर ले जाए। गुरुदेव, ये इच्छा तो वो इच्छा है
जो आपका आशीर्वाद पाकर आपके शिष्य दानव सम्राट शुंभ को एक जीवन शक्ति प्रदान करेगी। गुरुदेव, मैंने उस महासुंदरी को देख लिया है और संदेश वाहक के रूप में महामंत्री धूम्रलोचन को भेजा है। आश्चर्य है दानव सम्राट, आपने इतना बड़ा निर्णय स्वयं ले लिया और मुझसे परामर्श की आवश्यकता भी नहीं समझी। वो महासुंदरी कौन है, क्या है, उसके विषय में मुझे जानकारी दिए बिना ही आपने ये निर्णय ले लिया? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। इस विषय में महामंत्री धूम्रलोचन आपके पास आए थे, उन्होंने आपको सुंदरी के बारे में बताया था। आपकी अनुमति के पश्चात ही उन्होंने मुझे सूचना दी और तभी मैं उस सुंदरी के पास गया। नहीं दानव सम्राट, नहीं, इसमें अवश्य कोई भयंकर भूल हो रही है। मैं जानता हूं कि यहां कोई आया था, उस समय मैं ध्यान में था, उसके आने की आहट से मेरा ध्यान टूटा और जब मैं बाहर आया तो मैंने एक रथ को वापस जाते हुए देखा। कदाचित वो महामंत्री धूम्रलोचन का रथ था। वो मुझसे बिना मिले, बिना कुछ कहे ही वापस चले गए और उन्होंने तुम्हें उस सुंदर स्त्री से मिला दिया। गुरुदेव, यदि ऐसा है भी तो इसमें हानि क्या है? सत्य तो यह है गुरुदेव, यदि आप भी उस महासुंदरी को देखेंगे तो आप भी मेरे निर्णय की सराहना करेंगे। नहीं दानव सम्राट, नहीं, मैं ऐसे निर्णय की कदापि सराहना नहीं कर सकता। मुझे आशंका हो रही है किसी अनर्थकारी संकट ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया है और जो तुमको मोहित करने का प्रयास कर रही है। मोहित तो मैं हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरे मन में उसे वरण करने की इच्छा भी है। और यदि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है भी तो क्या है? है तो एक अबला नारी, उसे भय कैसा? नहीं दानव सम्राट, आप यहां से सीधे राजभवन जाएंगे। जब तक मैं इस घटना की पूरी छानबीन नहीं कर लेता, आप अगला कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव, किंतु एक बात मैं आपको बताया देता हूं कि मैं विवाह तो उसे सुंदरी से करूंगा, ये मेरा निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। मुझे जानना ही पड़ेगा ये षड्यंत्र किसका है और इसमें कौन किसकी भूमिका निभा रहा है। महामंत्री धूम्रलोचन, प्रथम इसके कि आप मुझे उस महासुंदरी से अपने भेंट की सूचना दें, मुझे इस बात का उत्तर दें कि आपने उस सुंदरी की सूचना गुरुदेव को दी या नहीं। महाराज, मैंने आपके प्रति सत्य एवं निष्ठा की सौगंध खाई है। महामंत्री धूम्रलोचन, हम अभी गुरुदेव के आश्रम से आ रहे हैं और उन्हें उस सुंदरी की सूचना नहीं दी गई। वो कहते हैं कि धूम्रलोचन मेरे आश्रम तक तो आया था किंतु मुझसे मिले बिना ही लौट गया। यह सत्य नहीं है महाराज। यदि फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो लीजिए ये खड़ग, मेरे धड़ से मेरा शीश अलग कर दीजिए। किंतु बोलने का ये दोषारोपण मुझसे सहन नहीं हो रहा है दानव सम्राट। Ma
मंत्री, मैं सत्य को भलीभांति तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किंतु गुरुदेव की बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। गुरुदेव, आप दानव सम्राट, आप अभी अभी मेरे आश्रम से चलकर आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव। और मेरे उस आदेश से सोच में पड़ गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मैं उस महासुंदरी से आपका विवाह नहीं होने देना चाहता। गुरुदेव, पहले आप मेरी समस्या का निवारण करें। आप महाराज को बताइए कि मैं आपके पास उस रूप सुंदरी की सूचना देने आया था या नहीं। आप आए थे महामंत्री धूम्रलोचन, अवश्य आए थे। दानव सम्राट, मैं इस समस्या का समाधान अभी के देता हूं। अभी आप जिस आश्रम पर गए थे वो मेरा आश्रम नहीं था। गुरुदेव। हाँ दानव सम्राट, वो मेरा आश्रम नहीं था, देवताओं की माया द्वारा रचा हुआ आश्रम था। और जिस शुक्राचार्य से आप वहां मिले थे वो शुक्राचार्य मैं नहीं, वो शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। क्या? हाँ महामंत्री धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, उस सुंदर स्त्री ने तुम्हारे संदेश का क्या उत्तर दिया? गुरुदेव, उस सुंदरी ने कहा है कि वो विवाह करने से विवश है, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वो उसी से विवाह करेगी। गुरुदेव, एक अबला मुझसे युद्ध करना चाहती है। हे दानव सम्राट, वो स्त्री आपके सर्वथा योग्य है। ऐसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए यदि आपको उससे युद्ध भी करना पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा। नहीं गुरुदेव, इस साधारण से कार्य के लिए दानव सम्राट को कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अबला तो मेरी एक दानवी गर्ज से ही आत्मसमर्पण कर देगी। आनंद आ रहा है, सचमुच आनंद आ रहा है। ये हुई ना बात, गुरुदेव मैंने इच्छा कर ली है उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की। अपने हृदय में मैंने इच्छा कर ली है। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। ध्यान रहे राजन, मैं कुछ दिनों के लिए तपस्या करने गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूं, और जाने से पूर्व आपसे एक वचन चाहता हूं कि मेरे वापस आने तक आप उस महासुंदरी को पराजित कर उसे अपनी महारानी बना लेंगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव। किंतु एक बात का और ध्यान रहे राजन, अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। आप उसे यहां से अपमानित करके निकाल देना, उसकी एक न सुनना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आपके समक्ष महामंत्री धूम्रलोचन को उस सुंदरी को पराजित करने के सारे अधिकार देकर भेज रहा हूं। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी प्रस्थान करता हूं और उस पराजित स्त्री को लेकर वापस आता हूं। आपका अभियान सफल हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद गुरुवर। अब मैं भी चलता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो राजन। जाइए देवराज इंद्र, जगदम्बा की कृपा से आपका कार्य संपन्न हुआ। छल और करोड़
आज्ञा महामंत्री जी। गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर स्त्री बैठी है। तुम दोनों वीर एक सेना की टुकड़ी लेकर जाओ और उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। महामंत्री जी, एक अबला पर कैसा बल प्रयोग? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेला ही उसे यहाँ ले आऊं। नहीं, वो स्त्री सिंहवाहिनी है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, इसलिए जो कहा है वही करो। यह आश्चर्य है महामंत्री जी, एक स्त्री सिंह पर बैठी है और उसके पास शस्त्र भी है। ये कहीं कोई स्वांग रचाने वाला बहरूपिया तो नहीं? मूर्ख, जो कहा गया है वही करो। वो स्त्री यदि सम्मान पूर्वक तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई तो वो दानव लोक की महारानी बन जाएगी। महामंत्री जी, ये कैसा आदेश है? हम अपनी होने वाली महारानी को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं। वीर कुरूर, उस ससुर का विवाह हो ही नहीं सकता जिसमें युद्ध न हो। उस स्त्री ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वही उसका पति होगा। इसलिए तुम दोनों महाराज शुंभ की सेना के रूप में वहां जाओ और उसे पराजित करके यहां ले आओ। महामंत्री जी, ये बात अब मेरी समझ में आ गई। हम अभी प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महामंत्री जी। चलो। वनराज, वो आ रहे हैं। किंतु वनराज, ये क्या? ये तो मुट्ठी भर भी नहीं। मैं तो ये प्रतीक्षा कर रही थी, कम से कम वो धूम्रलोचन अवश्य आएगा, जिसने 32 वीरों से अपनी गर्दन की रस्सी खिंचवाई थी। किंतु लगता है वो तो पैरों में महावर रचाकर बैठ गया। स्त्री उठ और हमारे साथ चुपचाप चली चल। अरे काल के ग्रास, लगता है तुम्हारा महामंत्री धूम्रलोचन तुमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए यह मृत्यु के मुख में मेरे पास भेज दिया है। व्यर्थ की बातें ना कर स्त्री। ये व्यर्थ की बातें नहीं है, सत्य है। तुम अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। देखो स्त्री, इतना तो हमें ज्ञात है कि महाराज शुंभ ने तुम्हें अपनी महारानी बनाना स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारा कोई अनिष्ट हो। और बिना अनिष्ट के मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि तुम्हारा वध किया जा सके। महामंत्री धूम्रलोचन ने सत्य ही कहा था। तुम सिंह पर बैठकर ये समझती हो कि हम तुमसे भयभीत हो जाएंगे। हम दानव है दानव। दानव दानव मत करो। तुम शस्त्रों का तो क्या, मेरे एक श्वास का भी सामना नहीं कर सकते। अरे ये तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। सैनिकों, इसे घेर लो, बांधो और अपने साथ ले चलो। घेरा डालोगे? हाँ, बंदी बनाएंगे। कुरूर, ये क्या शल और कुरूर? क्या इसी रूप में मैंने तुम्हें उस सुंदरी को लाने को कहा था? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हवा की गठरी में बांधकर तुम्हें फेंक दिया हो। यही हुआ है श्रीमान, हमारा दुर्भाग्य। हम उस स्त्री को वश में क्या कर पाते? उससे दो दो हाथ क्या करते? उसने तो एक ही फूंक में हम सबको तिनकों की भांति उड़ाकर
यहाँ फेंक दिया है। हाँ महामंत्री ध्रुवलोचन, उसके मुख से, उसके श्वास ने एक भयंकर आंधी बनकर आकाश से नीचे फेंक दिया हमको। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। कदाचित रूप की खान होने के साथ साथ वो महासुंदरी मायावी भी है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं स्वयं जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। वो धूम्रलोचन की शक्ति को नहीं जानती। अब वनराज, अपने आप में एक सहस्त्र बाहों का बल रखने वाला दानवों का महामंत्री धूम्रलोचन क्रोध से फुफकारता हुआ चला रहा है। लगता है उसे अपनी सेना का आंधी में तिनकों वाली दशा को पहुंचना अच्छा नहीं लगा। देवी! क्या बात है महामंत्री धूम्रलोचन, तुम तो अपने आप को बड़ा वीर समझ रहे थे। अपना बल प्रयोग करके तुमने तो 32 वीरों को हवा में उड़ा दिया था, मैं तो अकेली हूं। लो ये रस्सी, इसका फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दो और मुझे खींचते हुए ले चलो अपने स्वामी के पास। धूम्रलोचन, तुम्हारे लिए तो यह भी संभव नहीं, अब मुझे पराजित करने की विधि स्वयं तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी। तो सोच लो, मैं तुम्हारे साथ दया का, करुणा का और सम्मान का व्यवहार कर रहा था, ये सोचकर कि तुम दानव कुल की होने वाली महारानी हो। मैं तो ये भूल ही गया था कि मुझे तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। हे मायावी स्त्री, रोक सकती है तो रोक ले मेरे इस खड़ग के प्रहार को। तू करेगा मुझ पर प्रहार? हाँ, सावधान। धूम्रलोचन, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी ये दशा? धूम्रलोचन, ये मैं क्या देख रहा हूं?
तुम्हारी शक्ति के आगे तो अग्निदेव भी ऐसा साहस नहीं कर सकते थे, फिर ये कैसे हो गया? महाराज, मेरी ये दशा उसी महासुंदरी ने की है। महाराज, मेरी सारी शक्तियां उसके समक्ष जाकर शून्य होकर रह गई। वो बड़ी शक्तिशाली है, उसने जो प्रतिज्ञा कर रखी है महाराज, वो बिल्कुल सत्य है। उसे प्राप्त करना सहज नहीं, असंभव है। मेरी ये दशा करके महाराज उसने आपको चुनौती दी है। सावधान रहिएगा महाराज, सावधान। वो स्त्री काल का रूप धारण करके आई है, आगे आपकी जैसी इच्छा। उस स्त्री को तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। पति की मृत्यु पर अश्रु बहाना तो मानवों का स्वभाव है, और आप तो एक दानवीर की पत्नी हैं, और दानवों की परंपरा भी अच्छी तरह से जानती हैं। आप अपनी इच्छा से किसी भी दानव का वरण कर सकती हैं। दानव सम्राट, जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व मेरा सर्वस्व था, मेरे भाग्य का स्वामी था, आज उसे मृत देखकर मैं अश्रु भी न बहाऊं, उसके लिए अश्रु न बहाऊं, जिसके साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई है। देवी, ये सुख तो तुम्हें कोई भी दानव दे सकता है। दानव सम्राट, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि हम दानवों में स्वार्थ संबंध का दूसरा नाम है? तुम्हें ये शब्द पति पत्नी पिता भ्राता इन सब का क्या अर्थ है? देवी, ये भावुकता, करुणा, दया, ममता, ये सब देवताओं ने मानवों के अंदर कूट कूट के भरी है, इसलिए मानव दुर्बल है, और वो हम दानवों के समक्ष खड़ा होने के योग्य भी नहीं है, और मैं दानवों में इतनी दुर्बलता नहीं आने दूंगा। संबंध तो केवल पहचान मात्र है और कुछ भी नहीं। नहीं दानव सम्राट, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। संबंधों का सम्मान एक बहुत ही सुंदर मानवीय गुण है, और ये सुंदर गुण जहाँ से भी मिले हमें उन्हें ले लेना चाहिए। चंड मुंड आज्ञा दानव सम्राट। ये देवी इस समय अपने आप में नहीं है, इन्हें यहाँ से ले जाओ। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलिए देवी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यदि दानव लोक में संबंधों की यही स्थिति है, तो फिर जिसने इनका वध किया उसका क्या हुआ? क्या अब हम शत्रुओं से भी मित्रता के संबंध बनाएंगे? देवी, आप सीमा का उल्लंघन ना करें। वो शत्रु से मेरा क्या संबंध होगा, मैं आपको अभी बताता हूं। मैं इस चिता पे हाथ रख के सौगंध खाता हूं कि जिस स्त्री ने महामंत्री धूम्रलोचन की यह दशा बनाई है, मैं उस स्त्री से विवाह करके उसे दानव लोक की महारानी बनाऊंगा। ठहरिए दानव सम्राट, ठहरिए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। दानव सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस देवी को वचन दे रहा हूं कि मैं उस स्त्री को अपनी महारानी बनाऊंगा।
यदि उसने प्रतिज्ञा की है कि जो उसे युद्ध में हराएगा वो उसकी पत्नी बनेगी, तो मैं उसे युद्ध में हराऊंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दानव सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? धूम्रलोचन ने जो भी किया, धूम्रलोचन का जो भी अंत हुआ, उसका उत्तरदायी स्वयं धूम्रलोचन है। हाँ गुरुदेव, धूम्रलोचन ने जो भी किया आपकी अनुमति लेकर किया, उसके पश्चात। ठहरिए दानव सम्राट, हम इस विषय में बात कर चुके हैं। हाँ गुरुदेव, इस विषय में मुझे भी आपकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अनुमति? कैसी अनुमति? किसने दी आपको अनुमति? आपने? मैंने? मैंने कोई अनुमति नहीं दी। क्या गुरुदेव, आपने मुझे कोई अनुमति नहीं दी? नहीं, मैंने कोई अनुमति नहीं दी। अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुदेव सत्य कहते थे। कौन हो तुम? क्या मैं कौन हूं? अपने कुल गुरु से पूछ रहे हो? उस कुल गुरु से जिसे तुम स्वयं बुलाकर लाए थे? बंद करो ये ढोंग भैरूपिये। दानव सम्राट शुम के समक्ष तुम्हारा आने का ये साहस कैसे हुआ? यदि तुम हमारे गुरु होते तो हमें उत्साहित करते, हमें उस स्त्री पर विजय प्राप्त करवाकर उससे विवाह करने की प्रेरणा देते। दानवो, दैत्य और असुरों में मैं ये कार्य प्रथम बार करने नहीं जा रहा हूं। मुझसे पूर्व भी लोग ये कार्य कर चुके हैं और मेरे पश्चात भी ये कार्य करते रहेंगे। ये हम दानवों की परंपरा है। मूर्ख, तुम्हारे सामने ये दुस्साहस देवताओं का गुरु ही कर सकता है। चंड मुंड, आज्ञा दानव सम्राट। इससे पहले कि मेरा क्रोध इसका वध कर दे, इसे यहां से ले जाओ और हमारी सीमा के बाहर छोड़ दो। ध्यान रहे, इसके साथ आदर का व्यवहार ना किया जाए। ये तुम क्या कर रहे हो दानव सम्राट? देवता तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, वे छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ। दानव वीर चंड और मुंड, एक वीर की चिता को अग्नि देते समय मैं नहीं चाहता कि देवता पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे। इसे यहाँ से ले जाओ। तुम पछताओगे दानव सम्राट शुम। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने हमें नाश के अतिरिक्त और दिया भी क्या है। अब तो तुम्हारी वास्तविकता भी स्पष्ट हो गई है। चला जा यहां से। इसे यहां से ले जाओ और हमारी सीमा के बाहर छोड़ दो। ध्यान रहे, इसके साथ आदर का व्यवहार ना किया जाए। नष्ट हो जाएंगे ये सब के सब, सब नष्ट हो जाएंगे। समझ में नहीं आता ये कार्य किसका है, छल के साथ किसने छल किया है, कांटे से कांटा निकालने की चेष्टा किसने की है। ये दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे, शुम्ब निशुम्ब और उनके साथ सारे के सारे दानव काल के काल में समा जाएंगे। ये मेरा श्राप है। Thank you.
जागिए दानव श्रेष्ठ, जागिए। यदि मुझे भ्रम नहीं हो रहा है देवी, तो तुम दानववीर धूम्रलोचन की पत्नी हो। हाँ दानव श्रेष्ठ। तुम दोनों तो मुझसे आशीर्वाद लेकर गए थे। आपने हमें आशीर्वाद तो दिया था, किंतु एक स्त्री ने हमसे वो आशीर्वाद छीन लिया। ये तुम क्या कह रही हो देवी? इस समय तुम यहाँ अकेले आई हो धूम्रलोचन? हे दानव श्रेष्ठ, आपको कदाचित इस बात की सूचना नहीं मिली कि मेरे पति, मेरे स्वामी धूम्रलोचन का वध हो गया है। ये क्या कह रही हो देवी? ये कैसा अशुभ समाचार है? किंतु ये सत्य है दानव श्रेष्ठ, और ये सब कुछ दानव सम्राट शुंभ की एक इच्छा के कारण हुआ है। क्या? ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यदि इसे ना रोका गया तो ये कर्म ना जाने और कितने दानव वीरों को काल का ग्रास बना देगा, और ये सब देवताओं का छल है। इस बार मैं देवताओं को दानवों पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु ये कैसे संभव होगा दानव श्रेष्ठ? दानव सम्राट शुंभ तो स्त्री के लिए हट पर उतर आए हैं। हे देवी, मैंने उन्हें परामर्श भिजवा दिया था कि वो जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मना कर ले आए। यदि वो वहां होते तो। वे थे वहां पर, किंतु उनके वहां होने का कोई लाभ नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो देवी? दानव सम्राट शुंभ ने मेरे समक्ष दैत्य गुरु को वहां से अपमानित करके निकाल दिया। तब तो स्वयं मुझे वहां जाना होगा। देवी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह सूचना दी। मैं तुम्हें तुम्हारा पति तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हारे पति के हत्यारे को ऐसा दंड दूंगा कि सारी धरती कांप उठेगी। मैं चलता हूं। प्रणाम दानव सम्राट। हे दानव वीरों, मैं महामंत्री धूम्रलोचन के प्राण तो वापस नहीं ला सकता, किंतु मैंने उनकी चिता पर हाथ रखकर सौगंध खाई है। यह धूम्रलोचन की इच्छा थी कि वो सुंदर स्त्री इस दानव लोक की महारानी बने, और मैं उनकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा हूं। नहीं दानव सम्राट, यह नहीं हो सकता। हमारे होते हुए, इतनी विशाल सेना के होते हुए, आप एक स्त्री से युद्ध करें, यह हमारे लिए आत्महत्या करने के समान है। हे दानवीर चंड, मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूं, किंतु आप यह भी तो देखिए कि यदि हमारे विरुद्ध कोई शासक होता, उसकी कोई सेना होती, तो मैं आपके इस भय का कारण समझ सकता था, किंतु वो तो एक अकेली स्त्री है, एक अबला है। नहीं दानव सम्राट, निश्चय वह स्त्री एक मायावी है, और संभवतः उसने अपनी माया की शक्ति से अपनी सेना को सबके दृष्टि से ओझल कर रखा हो, क्योंकि दानव वीर धूम्रलोचन का वध केवल एक स्त्री के वश की बात नहीं। हे दानव वीरों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सम्राट हर प्रकार से सक्षम है? हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है। नहीं दानव सम्राट, हम फिर भी आपको अकेले नहीं आने देंगे। हमारे लिए अपमान की बात है कि सेनापति के होते हुए राजा युद्ध के लिए जाए। हम सैनिकों का भी कोई धर्म है? हम आपको अकेले नहीं आने देंगे। जैसी आपकी इच्छा दानवीर चंड और मुंड, मैं आप दोनों पर इस अभियान का भार छोड़ता हूं। जाइए सेना लेकर, और उस सुंदर स्त्री को यहां लेकर आइए। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलो सैनिकों। प्रणाम। हे जगदम्बे, आपकी इच्छा अनुसार ये कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया।
और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बौखलाहट भी देखने योग्य होगी। ये आवश्यक था देवगुरु, अत्यंत आवश्यक था। देवताओं को नष्ट करने के लिए दानवों को छल की विद्या भी तो उन्होंने ही सिखाई है। गुरु का पद कोई साधारण पद नहीं होता। गुरु में मां की ममता, पिता का अनुशासन और ब्रह्म की दृढ़ता होनी चाहिए। आज शुक्राचार्य को अपने ही शिष्य दानवों से जिस व्यवहार का अनुभव हुआ वो उनके लिए कष्टदायी तो है, किंतु उसका कारण भी तो वे स्वयं ही हैं। जगदम्बे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवगुरु, आपके कारण अपशुम्भ और निशुम्भ दोनों की मृत्यु अवश्यंभावी हो गई है। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य होने जा रही है और अब दानव सम्राट शुम्भ चंड और मुंड को युद्ध का आदेश दे चुके हैं और उन दोनों के साथ उनकी सेना भी आएगी। देवगुरु, अब आप अपने निवास की ओर प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा जगदम्बे, आपको कोटिशक प्रणाम। दानवश्रेष्ठ प्रणाम। दानवश्रेष्ठ, आपने अपने आने की सूचना तक नहीं दी। दानव सम्राट ने मुझे इस योग्य नहीं रखा और अब तो बहुत अधिक जल बह चुका है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है दानव श्रेष्ठ? अपराध? आपने फिर से सारे दानवों को नेतृत्वहीन कर दिया। बीते हुए इतिहास से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं समझी। और तो और, आपने कुलगुरु शुक्राचार्य का जिस प्रकार अपमान किया है ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कुलगुरु का अपमान? दानव श्रेष्ठ, मैंने जिनका अपमान किया है वे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। मैंने तो कुलगुरु का सम्मान किया है, उस स्त्री के पास विवाह का संदेश देकर भेजा है और उस इच्छा के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह तो उसी स्त्री से करूंगा। और आप दानव सम्राट ये भूल गए कि आपको ब्रह्मा ने क्या वर दिया था? ब्रह्मा ने मुझे इच्छा मृत्यु का वर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भी ऐसी इच्छा जिसकी संसार में पूर्ति संभव ना हो उसके कारण मेरी मृत्यु होगी। और दानव सम्राट ने क्या किया? एक ऐसी इच्छा करकर आपने अपनी मृत्यु की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। किंतु वो तो एक स्त्री है दानव श्रेष्ठ। स्त्री अबला होती है और एक अबला दानव सम्राट शुम्भ पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? अबला अबला अबला, ये आपको क्या हो गया है दानव सम्राट? आप ये क्यों भूल गए हैं कि दानव कुल शिरोमणि महिषासुर का वध भी किसी स्त्री ने किया था? और मुझे भय है इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। किंतु अब तो मैंने इच्छा भी कर ली है और प्रतिज्ञा भी। अब तो स्त्री को पराजित करना ही होगा। नहीं दानव सम्राट, आप यहां शांत बैठेंगे, मैं जाऊंगा। अब एक भीषण रक्तपात होगा, एक ऐसा संग्राम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आपकी शंका निराधार है दानव श्रेष्ठ। मैंने दानवीर चंड और मुंड को सेना के साथ भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस स्त्री सहित लौटकर हमें अपनी विजय की सूचना देंगे। मैं कामना करता हूं कि आपका विश्वास सत्य सिद्ध हो, चंड और मुंड उस स्त्री पर विजय प्राप्त कर ले, उसे यहां ले आए। किंतु मेरा विश्वास अब भी अटल है दानव श्रेष्ठ। फिर भी मैं दानव वीर चंड और मुंड की प्रतीक्षा करूंगा।
आइए शिवानी, आपका आभार कि आप उचित समय पर पधारी हैं। दानव सम्राट शुंभ ने मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। उसका काल उसके निकट मंडरा रहा है। उसने चंड और मुंड को मुझे पराजित करने के लिए यहां भेजा है। नहीं देवी, अब ये कष्ट आप नहीं उठाएंगी। क्यों क्यों हे भवानी? क्योंकि ये वध करेंगी कालिका। कालिका के रूप में आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? हे देवी, आवश्यकता है यदि चंड और मुंड का वध कालिका ने किया तो शुंभ और निशुंभ दोनों आपसे युद्ध करने आएंगे, अन्यथा परिणाम इसके विपरीत भी जा सकता है और उनका जीवित रहना इस ब्रह्मांड के लिए महाविनाश का कारण बन सकता है। हे भवानी, जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, इस समय तो एक महाभयानक दैत्य रक्त बीज इस संग्राम में कूदने वाला है। एक भयानक रक्तपात होने वाला है। और हे देवी, इस समय आवश्यकता है देवी कालिका की। जय कालिका, मैं आपका आह्वान करती हूं। इस कार्य में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। कालिका, शुंभ और निशुंभ ने जगदम्बा दुर्गा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। चंड और मुंड अपनी सेना के साथ चल पड़े हैं और इस संग्राम में दानव श्रेष्ठ रक्त बीज के आने की संभावना है। उसे किसी न किसी से सूचना अवश्य प्राप्त होगी। आपके इस संग्राम में भाग लेने से उनकी इच्छा और उनके युद्ध की प्यास पूर्ण होगी तथा उनके वध से आपकी मुंडमाला बन जाएगी, जैसी आदिशक्ति की इच्छा। हे जगदम्बे, मैं चलती हूं। हे भवानी रूपा दुर्गे, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं मार्ग ही में चंड और मुंड को रोक दूंगी, क्योंकि वे दानव सेना के साथ नरसंहार करते चले आ रहे हैं। तुम्ही हो वो स्त्री जिसने हमारे महामंत्री धूम्रलोचन को जलाकर मार डाला? नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैं नहीं थी।
मैं तो तुम्हें यह कहने के लिए आई हूं कि महादेवी दुर्गा को शुंभ और निशुंभ के दो मस्तक दे दो और अपने प्राण बचाकर पाताल लोक भाग जाओ। मुंड, सुना तूने? ये स्त्री क्या कह रही है? देख क्या रहे हो? इसे अपने रास्ते से हटा दो। मैं चलकर उस स्त्री को रोकता हूँ जिसे लाने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई है। मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाओगे? चलो सैनिकों, आगे बढ़ो। ये बात है तो अब हम तुम्हें अपनी माया दिखाते हैं। Yeah!
वनराज, लगता है देवी कालिका सबका संहार करके यहां पहुंच रही हैं। हे महादेवी, कालिका की ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। ये चंड और मुंड के सिर हैं। ये दानव यदि ना मरते तो ये सारी मानवता का नाश कर देते। हे देवी कालिका, इन दोनों के कटे हुए सिर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये इन दैत्यों के सिर नहीं, पाप तथा अत्याचार के सिर हैं। आपने चंड और मुंड जैसे विनाशकारी दैत्यों का वध करके सारी मानवता को इनके अत्याचारों से बचाया है। इसीलिए आज से ये सारा संसार आपको चामुंडा के नाम से पुकारेगा। धन्यवाद राज राजेश्वरी। इन मुंडों की मैं माला बनाऊंगी और मुंड माल पहनूंगी। महादेवी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो केवल दानवों के मस्तक चाहिए। मैं सारे संसार से दानवों का अंत कर दूंगी। यहां केवल इनके शरीर आए हैं, सिर कहां है इनके? वो क्यों नहीं आए? दानव सम्राट, दानव सेना और दानव वीर चंड और मुंड का वध करने वाली वो स्त्री सुंदर नहीं, काली है, काली। उसने इनके सिर काटकर कहा कि अब मैं मुंड माल पहनूंगी। पहले धूम्रलोचन, अब चंड और मुंड, और इसके पश्चात ना जाने कितनी और चिताएं जलानी होंगी आपको। देखा दानव सम्राट, आपने अपनी भूल का परिणाम। नहीं दानव श्रेष्ठ, नहीं। चंड और मुंड का वध करने वाली वो स्त्री नहीं, वो तो अति सुंदर है। और ये काली, अब उस स्त्री के समक्ष क्या परिणाम आने वाला है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। चंड और मुंड का वध करके उसने दानव सम्राट शुम को चुनौती दी है, और मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। नहीं दानव सम्राट, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। अभी रक्त भी जीवित है, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार दानव वीरों का रक्त बहाया जा रहा है। मैं स्वयं देखूंगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दूंगा, मैं प्रलय बनकर टूटूंगा, मेरे भयानक आक्रमण से सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही कर उठेगा। जब तक मैं विजयश्री प्राप्त करके लौट नहीं आता, आप दानवीर निशम यहीं से सैन्य संचालन करेंगे। आओ दानवीरों मेरे साथ। विदा महाराज शुम, विदा। काल के मुख में समाने के लिए बहुत से दानव आ रहे हैं, किंतु वो तो अब भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो इन्हें ही आने दो। हे महाकाल, कालिका की ये भेंट स्वीकार हो। Yeah.
दानव वीरों, यही है वो स्त्री जिसने दानव वीर चंड और मुंड का वध किया, किंतु मैं रक्त बीज हूं। इसके साथ पहले मायावी युद्ध होगा, क्योंकि इस स्त्री में भी मायावी शक्तियां हैं जो इसके शरीर और आकार को देखकर पता चलता है। अभी तो तुमने केवल आकार ही देखा है, संहार की क्षमता नहीं देखी। दानवों में श्रेष्ठ कहलाते हो और उसे छिपाकर आए हो, जिसके कारण इतने दानव मारे जा रहे हैं। अधिक प्रलाप ना कर, अभी तेरी शक्ति की परीक्षा हो जाएगी। मुझे शब्दों से भयभीत करने का प्रयास ना कर। मेरा नाम रक्त बीज है, मैं चिता से उत्पन्न हुआ हूं और सारी धरती और पूरे ब्रह्मांड को चिता में बदलने आया हूं। तुम इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हो? संसार में तुम जैसे व्यक्ति यदि जन्म ना लेते तो लोगों को कदाचित शांति के अर्थ का ज्ञान ही नहीं होता। रक्त बीज दूसरों की चिताएं सजोने में अपनी चिता के लिए स्थान निश्चित करना मत भूलना। कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही चिता में जाता है, और मेरे अतिरिक्त पूरे संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो चिता से ही उत्पन्न हुआ हो, जिसे चिता से ही जीवन प्राप्त हुआ हो। दानवीरों, ये स्त्री दया या क्षमा के योग्य नहीं है, टूट पड़ो इस पे। अभी मैं तेरी सारी मायावी शक्तियों को समाप्त करता हूँ। तेरे बिना तो मेरी मुंडमाल पूरी ही नहीं होगी रक्त बीज। We'll be right back.
देवी भवानी, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ? आप सारे देवगण अपने परिवार सहित इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे देवी भगवती, देवी काली और रक्त बीज के बीच भीषण संग्राम चल रहा है, और रक्त बीज के रक्त से इतने बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं कि यदि उन्हें रोका ना गया देवी, तो इस सारे संसार में रक्त बीज ही रक्त बीज होंगे। आप चिंता ना कीजिए, संहार के आवेश में कदाचित देवी काली को इसकी सुध ही नहीं होगी। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं स्वयं वहां जा रही हूं। शिवा, हे कालिके, इस प्रकार तो ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। Thank you.
हे कालिके, मैं इनका वध करना आरंभ करती हूँ। आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए। इनका रक्त धरती पर ना गिरे, तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम, मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। ये रक्त बीज तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। पर ध्यान रहे, रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा। तेरे मुंड माल के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए।
मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। राता निशुम्भ, आज दानव लोक में सबसे बड़ा शोक का दिन है। जिस दानव श्रेष्ठ ने हमें इस स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस महावीर की मृत्यु का हमें शोक नहीं करना है, हमें अश्रु नहीं बहाने हैं, हमें तो उस शत्रु का रक्त बहाना है। और हमारे शत्रु है वो जिसे हमने एक अबला समझा, एक साधारण स्त्री समझा, एक ऐसी स्त्री जिससे हमने विवाह की इच्छा की, किंतु ऐसी स्त्री से विवाह जिसने पिता तुल्य रक्त बीज का वध कर दिया। उस स्त्री को मार डालिए, उस स्त्री का वध कीजिए, उस स्त्री को समाप्त कर दीजिए। उस स्त्री का वध मैं करूंगा, और वो भी अपने इन हाथों से करूंगा। तब दानव वीर धूम्रलोचन, महावीर चंड और मुंड और दानव श्रेष्ठ रक्त बीज की आत्मा को शांति मिलेगी। किंतु अनुज, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उस स्त्री का वरण करने की इच्छा तुमने अपने मन में की है। यदि तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति ना हुई तो वो स्त्री तुम्हारा काल बन सकती है। उस स्त्री को मैं अपना काल नहीं बनने दूंगा भ्राता श्री, उसे सर्वप्रथम मैं पराजित करूंगा। उसे इस दानव लोक की महारानी बनाऊंगा, मुझे सौगंध है इस दानव समाज की। इस स्थान पर जहां दानव श्रेष्ठ रक्त बीज का शव रखा है, इसी स्थान पर मैं आप सबके बीच उसका वध करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा के वर से मेरी रक्षा होगी और वो स्त्री भी समाप्त हो जाएगी। भ्राता निशुम, मैं आपसे और समस्त दानव वीरों से एक विनती करना चाहता हूं कि उस स्त्री के वध के पश्चात ही हम दानव श्रेष्ठ रक्त बीज को अंतिम विदाई देंगे। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। तो ठीक है, दानव सम्राट, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं उस स्त्री को परास्त करके कुछ ही क्षणों में यहां लौट आऊंगा। नहीं भ्राता श्री, नहीं, इस बार मैं उस स्त्री को कोई भी ऐसा अवसर नहीं दूंगा। हम दोनों सेना के साथ चलेंगे और शीघ्र अति शीघ्र उसे पराजित करेंगे। ठीक है दानव सम्राट, मैं सेना को चलने का आदेश देता हूं। हे दानव श्रेष्ठ, हमें विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए।
शुम की, दानव सम्राट निशुम की, दानव सम्राट शुम की, दानव सम्राट निशुम की, दानव सम्राट शुम की। मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। मुझे दानव मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे दानव मुंड दो। हे भवानी, जगदम्बा, आपका रुद्र रूप काली तो इतना भयानक हो गया है कि उसने दानवों में त्राही त्राही मचा दी है। मैं बहुत चिंतित हूं। जगदम्बा स्वरूपा दुर्गा भी चिंतित? ऐसा क्यों? हे भवानी, अति शीघ्र यदि कालिका को दानव मुंड ना मिले तो उन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। हे महादेवी, इसकी व्यवस्था तो स्वयं शुंभ और निशुंभ दोनों ने ही कर दी है। शुंभ आपको स्त्री कहता है, अबला समझता है, किंतु वो नहीं जानता कि आपका अवतार ही सारे संसार को ये बताने के लिए हुआ है कि स्त्री अबला नहीं होती। उसमें करुणा होती है, उसमें ममता होती है, उसमें दया होती है, और इसीलिए वो सहन शक्ति की सीमा तक पुरुष वर्ग के सारे अत्याचारों को क्षमा कर देती है। किंतु यदि कोई महिषासुर बने, चंड मुंड और रक्त बीज बने, शुंभ निशुंभ बनकर नारी शक्ति को ललकारे, तो नारी दुर्गा है, नारी भवानी है, नारी महाकाली है, मां शक्ति है। आ रही है, मुंडों की एक बहुत लंबी माला आ रही है। इतना अधिक रक्तपात होने वाला है कि लगता है इस बार दानवों का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। रुक जाओ। दानव सम्राट, कहिए सेनापति, आप उस स्त्री को देख रहे हैं? हां, किंतु यह वो नहीं है जिसे ढूंढने मैं यहां आया हूं। आपने सत्य कहा, यह वो स्त्री है जिसे उस स्त्री ने भेजा है। यह वो स्त्री है जिसने दानववीर चंड मुंड का वध किया। ये वो स्त्री है जिसने दानव श्रेष्ठ रक्त बीज की हत्या की। आप आज्ञा दे तो मैं इस स्त्री को इसके अपराध का उचित दंड दूं। सेनापति, समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें और समस्त दानव सेना को इस स्त्री को समाप्त करने के लिए यहीं छोड़े जाता हूं, और जब तक उस स्त्री का वध नहीं हो जाता जिससे विवाह करने की इच्छा दानव सम्राट के मन में उत्पन्न हुई है, तब तक दानव संग्राम चलता रहेगा। इसलिए मैं और दानव सम्राट उस स्त्री को समाप्त करने जा रहे हैं। जो आज्ञा।
जगदम्बिके, हे भवानी, आ रहे हैं दोनों भ्राता तुम्हारे खड़क की भेंट चढ़ने। मुझे सेनापति और इतनी बड़ी दानव सेना देकर आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसके लिए कोटि शाह धन्यवाद। आओ पापियों, आओ दानवों, दानव वीरों, चारों ओर से घेर लो इसे और समाप्त कर दो। आक्रमण! वनराज, आ गए स्त्री को अबला समझने वाले, आ गए।
दानवीर धूम्रलोचन का वध किया, चंड और मुंड भी तेरे कारण मारे गए, और रक्त भी जैसे शक्तिशाली दानव श्रेष्ठ की स्थिति में देखकर आ रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं तेरा वरण करूंगा, परंतु तू इस योग्य नहीं है। तूने मेरे भ्राता श्री निशुम का वध किया है, अब मैं तेरा वध भी इसी प्रकार करूंगा। तेरे जैसे असुर यदि इस संसार में जन्म लेते रहे, यदि तुझ जैसे दैत्यों का इस संसार में शासन चलता रहा, तब तो स्त्री का सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। स्त्री जो मात्र स्वरूपा होती है, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तुम असुरों को स्त्री का केवल एक ही रूप दिखाई देता है। मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए ही तो अवतार लेकर आई हूं। जब जब तुम जैसी शक्तियां सिर उठाएंगी, तब तब मां शक्ति उनका नाश करने के लिए हमें भेजेगी। शुम, अब तेरा भी अंत आ गया है। अंत मेरा नहीं स्त्री, अंत तो तेरा निकट आ गया है, तेरा। अब तू देख मैं तुझे कैसे समाप्त करता हूं। हर दानव मरने से पहले यही कहता रहा है। तू कुछ भी कह ले स्त्री, तू कुछ भी कह ले, एक स्त्री दानव वीर शुंभ का वध नहीं कर सकती, असंभव। जगदम्बिके, सब समाप्त हो गए। हे कालिके,
ये पूरी मानवता का शत्रु है, ये दानव है। ये 100 दानव मिलकर किसी एक निरपराध पर टूट सकते हैं, किंतु मैं इस दानव का वध अकेले ही करूंगी। जैसी आपकी इच्छा, मुझे दानव मुंड चाहिए, मुझे दानवों का रक्त चाहिए। अपनी शक्ति, अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था इसे। ब्रह्मा से वर लेकर अपनी मृत्यु से बड़ा निश्चिंत था ये। शक्तिशाली वो है जिसके पास शक्ति तो है किंतु शक्ति का गर्व नहीं है। अभिमान और गर्व से जो चूर है उसकी सारी शक्ति उसकी दुर्बलता बन जाती है। बाहों का बल जब शीश तक पहुंच जाता है तब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। असुरों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो प्रत्येक वरदान को अपने अहंकार के कारण अभिशाप में बदल देते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि काल किसी को नहीं छोड़ता। हे जगदम्बे, ये तो समाप्त हो गया। हाँ हे कालिके, अब शांत हो जाओ। युद्ध के पश्चात शांति बहुत आवश्यक होती है। मैं शांत हो जाऊं? मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए। आप यही विश्राम कीजिए, मैं जा रही हूं। मैं उन्हें मारूंगी, मैं उनके रक्त का पान करूंगी, मैं संसार को दानवहीन कर दूंगी। कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए। कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड चाहिए। कालिके, मुझे रक्त, कालिके, कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। भवानी, हे शिव, अब कालिका को कौन रोकेगा? यदि इसे रोका ना गया तो ये सारे संसार का वध कर देगी। महादेवी, क्या बात है देवाधिदेव? रोकिए महादेवी, जो कुछ हो रहा है वो कहीं सर्वनाश न बन जाए। नहीं स्वामी, काली को रक्त चाहिए, उन्हें मुंडमाल पहन लेने दीजिए, वे इस समय आवेश में हैं। नहीं महादेवी, उन्हें रोकना होगा। क्रोध और आवेश की भी एक सीमा होती है। आवश्यकता से अधिक क्रोध क्रोध करने वाले के लिए अशुभ हो सकता है। क्रोध और अग्नि जब तक नियंत्रण में है तभी तक उपयोगी है। किंतु ध्यान रहे महादेवी, काली का क्रोध शिव और मंगल भाव का विरोध न बन जाए। किंतु हे देवाधिदेव, काली तो दानवों का वध कर रही हैं, वे उनके अपराध का उन्हें दंड दे रही हैं। नहीं महादेवी, सभी दानव अपराधी नहीं है, केवल कुछ है। इसलिए दानवों की जाति क्रम का विनाश अनुचित और अमंगल होगा। इस संहार को सीमा के भीतर ही रोकना होगा। नहीं देवाधिदेव, अब काली को रोकना मेरे वश में नहीं। तो ठीक है, मैं उन्हें रोकूंगा। आप? हाँ, आप निश्चिंत रहिए देवी। मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानों की मुंड चाहिए, मुझे दानवों की मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे रख दो, मुझे दानों के मुंड दो, मुझे रख चाहिए, मुझे दानों का मुंड चाहिए, मुझे रख चाहिए,
मुझे दानवों का मूड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मूड चाहिए, मुझे मूड दो, मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे मूड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मूड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मूड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मूड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मूड चाहिए, मुझे दानव का रक्त दो, मुझे दानव मूड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मूड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मूड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानव मूड दो, मुझे दा कौन पड़ा है मेरे बाप में? हे शिवानी, किस बात की क्षमा? मुझसे ये धृष्टता हुई। शिवानी, जिस स्थिति में आप थी उस स्थिति में यदि कोई और भी होता तब भी वो यही करता। हे देवाधिदेव, मैं तो आक्रोश से भरी हुई थी, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? देवी, यदि मैं ऐसा ना करता तो आप अपने आक्रोश में सारी सृष्टि का संहार कर देती। जिस प्रकार दया, क्षमा, करुणा की कोई मर्यादा होती है, उसी प्रकार क्रोध की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। देवाधिदेव, आप धन्य हैं। पुनः अपने आप को इस स्थिति में पाने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे क्षमा कर दिया। देवी, आप मेरी शक्ति हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं। आपके आक्रोश को शांत करना मेरे कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैंने ऐसा करके केवल अपने धर्म का निर्वाह किया, इसमें आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। देवाधिदेव, हे शिवानी,